नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों, ये सैमसंग का टीवी है और इसमें देख रहे हैं कि स्क्रीन पे यहाँ पे नीचे कट रहा है और ऊपर भी कट रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस फॉल्ट को रिपेयरिंग करके दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, ये रिपेयरिंग मैं रिमोट से करने वाला हूँ, इसका सर्विस मेनू से। और दोस्तों, इसका सर्विस मेनू को कैसे ओपन करते हैं, इसका सर्विस कोड क्या होता है, सर्विस मेनू को ओपन करने के लिए, ये भी मैं साथ में आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम जो होता है वो हार्डवेयर से भी हो सकता है, मतलब कि ये वर्टिकल सेक्शन से भी हो सकता है, पर ये वर्टिकल सेक्शन से हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका योक जो है मैं चेंज किया था, देख सकते हैं ये वाला योक इसका ख़राब था, तो ये योक चेंज करने के बाद में हमारा स्क्रीन कट रहा है। तो दोस्तों, होता ऐसा इसलिए कि जब भी कोई टीवी में योक वगैरह चेंज करते हैं तो जो पुराना योक होता है उसका जो मॉडल है, डिजाइन है, सेम नहीं मिलने के कारण जो है हमारा स्क्रीन कट सकता है या हाइट ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, हाइट से संबंधित। और दोस्तों, सर्विस मेनू से बहुत सारे प्रॉब्लम को जो है ठीक किया जा सकता है, जैसे पिक्चर पे कलर ज़्यादा आना, कोई एक कलर रेड ब्लू ग्रीन कोई भी कलर कम या बेसी होना, इस तरह का प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं, मतलब कि सर्विस मेनू से जो है कई तरह का प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी टीवी के सर्विस मेनू को आप जो है बिना मतलब के छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि एक बार उसका सेटिंग यदि गड़बड़ा गया तो टीवी को रिपेयरिंग करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो जब सर्विस मेनू आपको ओपन करने का ज़रूरत हो तभी ओपन करें, और जो प्रॉब्लम के लिए ओपन कर रहे हैं उसको ठीक करने के बाद में दोबारा से जो है छेड़छाड़ ना करें, कहीं भी छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि इसका सर्विस कोड क्या है और इसका हाइट को कैसे हम एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से करना चाहूँगा रिक्वेस्ट, यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और दोस्तों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसका कोड मैं बताता हूँ कि इसका कोड क्या है। तो सबसे पहले तो ये रिमोट का पावर ऑन ऑफ बटन दबाना है, इससे हमारा टीवी ऑफ हो जाएगा। इसके बाद में ऑफ होने के बाद में ये इन्फो बटन दबाना है, इसके बाद में ये मीनू बटन दबाना है, इसके बाद ये मूट बटन दबाना है, ठीक है। इसके बाद ये पावर ऑन की दबाना है, पावर ऑन की दबाने के बाद में हमारा डिस्प्ले जो है चालू हो जाएगा और हमारा जो है सर्विस मोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आप ध्यान से देख लें, फर्स्ट पावर ऑफ की, सेकेंड इन्फो बटन, थर्ड मीनू बटन, फोर्थ मूड बटन, फाइव पावर की, ठीक है। तो चलिए इसका सर्विस मेनू को ओपन कर लेते हैं, और सर्विस मेनू को ओपन करने के लिए सबसे पहले ये पावर की, फिर हमारा इन्फो बटन, फिर मीनू बटन, फिर मूड बटन, फिर पावर ऑन की, ठीक है। अब ये हमारा स्क्रीन पर हमारा सर्विस मेनू ओपन हो चुका है, और अब जो है एडजस्ट में जो है इंटर बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए इंटर बटन को प्रेस करते हैं, और इंटर बटन को प्रेस करने के बाद में कुछ इस तरह का पेज आएगा। तो इसमें से आपको क्या यूज करना है, वर्टिकल के लिए VS और VA, ठीक है। तो VS का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल सेंटर। वर्टिकल सेंटर में क्या होता है कि जैसे कि देख सकते हैं कि नीचे जो है हमारा ज़्यादा कट रहा है और ऊपर कम कट रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वर्टिकल को हम सेंटर में लाएंगे, मतलब कि ऊपर जितना कट रहा है उतना नीचे भी कटना चाहिए। तो ये वर्टिकल को थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो ऊपर भी जो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद में जो है हमको पिक्चर को जूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम VS में आते हैं, और VS में आने के लिए रिमोट का ये डाउन की का यूज करेंगे। चलिए VS में आ गए हैं, और VS में आने के बाद में ये बटन को यूज करेंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा। और फिर जो हमें वॉल्यूम की से ही जो है एडजस्ट करना है इसका सेंटर को, तो इससे ऊपर जा रहा है तो इससे हमें सेंटर में लाना है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो ये वर्टिकल है ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। जितना ऊपर कट रहा है उतना नीचे भी कट रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये पिक्चर को इस तरह जूम करना है, और इस तरह से जूम करने के बाद में ये जो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये मीनू बटन से जो है बाहर आएंगे, और अब हमें VA में जाना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं VA है, तो VA में आने के लिए ये रिमोट का डाउन की का यूज करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद में ये वॉल्यूम की का यूज करेंगे। तो वॉल्यूम की का यूज करने के बाद में कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब दोबारा से वॉल्यूम की का यूज करते हुए हाइट को जो है कम बेसी करना है। देखिए इस तरह से जो हमारा हाइट बढ़ रहा है,
देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ऊपर भी हमारा वर्टिकल ठीक हो गया है और नीचे भी वर्टिकल ठीक हो गया है। तो अब यहाँ से क्या करना है, इससे बाहर निकलना है। तो इससे बाहर निकलने के लिए मीनू बटन का यूज करेंगे और मीनू बटन का यूज करने के बाद में दोबारा से मीनू, फिर मीनू। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, पावर ऑफ की का यूज करेंगे और पावर ऑफ की का यूज करने के बाद में हमारा टीवी शट डाउन हो जाएगा और दोबारा से ये पावर ऑन की को प्रेस करेंगे तो हमारा टीवी ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे आप कि जो कट रहा था ऊपर नीचे वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। और अब जो है इस पर मैं पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा देर हालांकि मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि कॉपीराइट लग सकता है। तो अभी देख सकते हैं टीवी हमारा जो है बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं चैनल बदल के दिखाता हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल जो हमारा टीवी ठीक हो चुका है, अब नहीं कट रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव देना तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।